साथ हो जाता है। ये तिरंगा दे दे आके इधर रुक जाइए सब बटन दबाइए बात। जय भारत। आप सोच चित्रक का कल्चर कितना बैठा है यहाँ आजकल के जो यहाँ बैठे हैं अभी मेरे बुखार दिन से हाई स्कूल के थी और एक बार जा रही है लखनऊ मेरी आवाज शायद टीवी पर कहा था मैं आपका स्वागत है और साथ ही हम आज कमला देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज में उपस्थित हैं। कृपया प्रबंधक जी कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। मैं प्रबंधक प्रेमपाल सिंह श्रीमती कमला देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज होरूरी मीरगंज बरेली विद्यालय का परिचय आपको संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। विद्यालय का शुभारंभ सन 2003-04 में हमने किया। आज विद्यालय आप सबके सहयोग से फल फूल रहा है। विद्यालय में लगभग 1000 स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य अध्यापक बंधुओं अभिभावकों व भैया बहनों का जो स्नेह मुझे मिला जो दुलार मुझे मिला उसका वर्णन करना मेरे मुखारविंद से बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका स्नेह ना मिला होता तो इतने कम समय में कमला देवी इंटर कॉलेज में जो उपलब्धि हासिल की है वो मैं या मेरा विद्यालय परिवार नहीं कर सकता था। विद्यालय ने जो परिणाम दिए हैं हर वर्ष एक आदर्श परिणाम का विद्यालय गवाही के तौर पर मौजूद रहा है। सन 2018 में भैया धर्मेंद्र गंगवार ने 84% अंक प्राप्त कर तहसील में पांचवा और मीरगंज क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया था। मेरे कॉलेज परिवार में जो मेरी फैकल्टी है इनके घोर और अथक और कठोर परिश्रम के बाद विद्यालय ने यूपी बोर्ड में सन 2019 में फिर अपना परचम लहराया और 2019 में हाई स्कूल में कॉलेज टॉपर कंचन गंगवार में 500-600 में प्राप्त कर 84.83% अंक प्राप्त किए। शनि सागर ने 600 में 497 82.83 अंक प्राप्त किए और विजेंद्र ने 490-600 में प्राप्त कर 81.66 अंक प्राप्त किए। अपना कॉलेज परिवार का गांव का और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन किया। इसी क्रम में इंटरमीडिएट में सोएब अंसारी ने 500 में 398 79.6% और पायल गंगवार ने 500 में 373 74.6% और सोएब मंसूरी 367 500 में 73.4% अंक प्राप्त कर कॉलेज का मान बढ़ाया। कॉलेज वर्ष 2019 में सोएब अंसारी तहसील में नंबर एक और कॉलेज में भी नंबर एक। कॉलेज में नंबर दो पायल गंगवार, कॉलेज में नंबर तीन सोएब मंसूरी ने अपना स्थान बनाकर पुनः 2019 यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बच्चों ने अपने गुरुजनों का अपने माता पिता का और अपने कॉलेज का मान बढ़ाया। साथ ही ये गरीब बच्चों के लिए आपके यहाँ आपके विद्यालय द्वारा क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही? गरीब बच्चों के लिए हमारे यहाँ जो बच्चे हमसे जुड़े हैं मंच के माध्यम से वर्णन करने की बात नहीं है लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय प्रांगण में आकर ये प्रूफ कर देता है कि मैं गरीब हूँ तो शायद कॉलेज से जितना भी हो सकता है मैनेजमेंट से उतना करता है। यहाँ तक कि सर्दियों में बच्चों को स्वेटर अथवा जूते अथवा किताबें ये सब कुछ करने का प्रयास ही नहीं किया जाता है।
छोटे बच्चे जो आपके यहाँ हैं इनके लिए वाहन की क्या व्यवस्था है? आपके यहाँ कोई वाहन वगैरह की व्यवस्था है बच्चों को लाने के लिए? हमारे यहाँ सर विद्यालय से जो एक वाहन व्यवस्था है वो लगातार चल रही है। विद्यालय से जो रूल है एंड रेगुलेशंस होते हैं विद्यालय वाहन के, उन्हीं के अंतर्गत एक वाहन हमारे पास है जिसमें हमारे बच्चे आते हैं। और ये व्यवस्था हमारी विशेष रूप से NC से 5 तक है, और 5 तक में भी वो बच्चे जो पैदल नहीं आ सकते हैं उनके लिए है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देशवासियों, हमें भगवा और हरे रंग में नहीं बंटना है, हिंदू और मुसलमान में नहीं बंटना है, हमको इंसानियत का दर्जा देना है। हमें हर तरह से अपने देश की तरक्की करनी है, और देश की तरक्की तभी संभव है जब हमारा देश पढ़ा लिखा होगा, जब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से होगी।